सभी स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आज से आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगी और रीजनिंग में जो हम सबसे पहला चैप्टर अपना कवर करेंगे वो होगा कैलेंडर। कैलेंडर हमारे पास दो तरह के होते हैं, यानी कि कैलेंडर में हमारे पास दो तरह के ईयर्स होते हैं। पहला ईयर वो होता है जिसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं और दूसरा ईयर जो होता है उसमें हमारे पास 366 डेज होते हैं। तो 365 डेज वाले ईयर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर, और 366 डेज वाले ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। अब नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि नॉर्मल ईयर में हमारे पास फैब में 28 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें हमारी फैब 29 डेज की होती है। तो बस यही फर्क होता है हमारे नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में। अब देखते हैं कि कोई भी ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा ये हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, अगर कोई भी ईयर गिवन ईयर अगर हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है और कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता है तो वो ईयर हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। यानी कि 4 से भाग करने पर जो रिमाइंडर हो अगर वो 0 आए तो वो ईयर हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। और अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो वो ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो अगर हमें निकाला है कि 1992 हमारा लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करके देखें। 4 से डिवाइड करने की एक ट्रिक भी होती है कि हम लास्ट के दो डिजिट्स को डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर लास्ट के दो डिजिट्स हमारे 4 से डिविजिबल हैं, तो हमारा जो पूरा नंबर है वो क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसा कि अगर हम देखें 1992 में, तो 92 जो है हमारा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 4 2 4 3 तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, हमारा पूरा 1992 भी क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब क्योंकि 1992 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो ये 1992 हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। बात करते हैं, कोई और ईयर ले लेते हैं, जैसे कि 2020 को लेते हैं। 2020 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। बात की जाए अगर 2008 की, 2008 में लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर देखा जाए 1997 को, तो 1997 हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली, तो ये हमारा लीप ईयर भी नहीं होगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कोई भी ईयर हमारा लीप ईयर होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए सेंचुरी ईयर की, तो जैसे सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं, जो हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं, जैसे 1900, 1800, 1600, 2000, ये सब क्या होते हैं, हमारे शताब्दी वर्ष, यानी कि सेंचुरी ईयर। तो इनको अगर हमें फाइंड आउट करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें 4 से डिवाइड ना करके हमें इनको क्या करना होगा, 400 से डिवाइड करना होगा। अगर 400 से भाग देने पर सेंचुरी ईयर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो हमारा क्या नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। अब ऐसा क्यों किया हमने, 4 के बजाय 400 से डिवाइड क्यों किया, इसके पीछे भी एक रीजन है। अब देखो, सारे सेंचुरी ईयर्स में लास्ट में हमारे पास क्या है, 00, और 00 तो सारी ही 4 से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा सेंचुरी ईयर हमारे पास
लीप ईयर है या नहीं है। तो इसीलिए हम सेंचुरी ईयर को लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, चार की उससे डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा। अब 400 से डिवाइड करने पर ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर भी नहीं होगा। बात करते हैं 1800 की, तो ये भी हमारा 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 1600 हमारा 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये हमारा क्या होगा, लीप ईयर भी होगा। इसी तरह 2000 भी हमारा 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। देख लेते हैं। देखो हमारे एक साल में
डेज और 6 आवर्स होते हैं, हमें पता है कि एक साल में हमारे पास 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं, और यही दूसरे साल में होता है 365 डेज और 6 आवर्स, इसी तरह तीसरे साल में भी 365 डेज और 6 आवर्स, एंड फोर्थ ईयर में भी हमारे पास क्या होंगे 365 ईयर्स डेज एंड 6 आवर्स, और इस तरह से हम हर नॉर्मल ईयर में तो हम सिर्फ 365 डेज मान के चलते हैं, लेकिन 4 साल बाद जब ये 6-6 घंटे जुड़ के 24 घंटे बन जाते हैं, हम पहले 3 साल क्या करते हैं 6 घंटों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ 365 डेज मान के चलते हैं, दूसरे साल में भी हम 6 घंटों को इग्नोर कर देते हैं और 365 डेज मान कर चलते हैं एक ईयर में, तीसरे साल में भी हम 6 घंटों को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब 4 साल हो जाते हैं तो ये 6-6 घंटे मिलके हमारे क्या बनाते हैं 24 आवर्स, और 24 आवर्स का हमारा क्या होता है 1 डे, तो 6 घंटों को तो हम इग्नोर कर सकते थे लेकिन हम एक दिन को तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए जो फोर्थ ईयर होता है उसमें हम 365 डेज ना मानकर ये 4 सालों के 6-6 घंटे मिलाकर जो एक दिन होता है उसको हम 4 साल बाद जाके जोड़ लेते हैं, और हमारे पास कितने दिन बनते हैं 366 डेज बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीप ईयर। तो ये हमारा प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा हर 4 साल बाद एक लीप ईयर रिपीट होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो देखो कि वो शताब्दी कुछ सालों में 8 साल का गैप क्यों आता है 2 लीप ईयर्स में, वो देखो हम क्यों आता है, उसके पीछे रीजन ये है कि एक्चुअल में एक साल में 365 दिन 6 घंटे कंप्लीट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं 5 घंटे और कुछ मिनट्स होती हैं, जिन्हें हम क्या मान लेते हैं 6 आवर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी शताब्दी का जो शुरू हुआ था, जहां से जो फर्स्ट सेंचुरी थी, फर्स्ट सेंचुरी का जो पहला साल था उसमें हमारा जो 365 डेज 5 आवर्स और कुछ मिनट्स थी, इसी तरह दूसरे साल में तीसरे साल में ये कुछ मिनट्स चलती गई थी, तो जब हमारे पहले 4 साल हुए तो हमने इनको 6 घंटों को मिलाकर क्या बना लिया 6-6 घंटों को मिलाकर एक दिन बना लिया, तो 8 साल हुए, फिर 10 साल हुए, इसी तरह पहुंच कर हमारे पास क्या हो गए 100 साल हो जाते हैं, तो जब 100 साल होते हैं ना तब तक की जो मिनट्स हम एक्स्ट्रा काउंट करते जा रहे थे इन 6 आवर्स में, वो 100 सालों में वो मिनट्स मिलके क्या बना देती हैं 24 घंटे बना देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं 1 ईयर 1 डे बोलते हैं, तो इस वजह से 100 सालों में जाकर हम एक साल ऐसा मानते हैं 100वां साल जिसमें हम इस एक दिन को नहीं बढ़ाते हैं, तो जिस वजह से हमारा जो सेंचुरी ईयर होते हैं कुछ वो 100 सालों में एक बार लीप ईयर नहीं मानते हम उस सेंचुरी ईयर को, फर्स्ट सेंचुरी ईयर को, इसी तरह सेकंड सेंचुरी में भी हम उस एक दिन को नहीं गिनते और इसी तरह तीसरी सेंचुरी में, लेकिन जब चौथी सेंचुरी में हम जब जाते हैं तो वो कुछ मिनट्स का जो हम कहीं पर इंक्लूड कर रहे हैं कहीं छोड़ रहे हैं उस सबको मिलाकर 400 सालों का एक ऐसा टाइम आता है, जब 300 सालों तक हमने 100 साल में लीप ईयर को नहीं गिना, एक दिन हमने नहीं जोड़ा, 200 साल होने के बाद भी हमने एक बार वो एक दिन नहीं जोड़ा, 300 सालों में भी वो एक दिन हमने नहीं जोड़ा, लेकिन जो ये हम टाइम छोड़ते जा रहे थे 400 सालों में जाके वो एक दिन हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस है ये एग्जैक्ट मिनट्स का जो सिस्टम है ये 400 सालों में जाकर हम वो एक दिन को जोड़ लेते हैं, जो 400वां साल होगा हम उसे क्या मान लेते हैं लीप ईयर मान लेते हैं। वैसे इस सब का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी, मतलब जो पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है, किस वजह से हम लीप ईयर मानते हैं और किस वजह से 100 सालों में वो लीप ईयर रिपीट नहीं होता, तो ये सब कुछ सिस्टम था जो पढ़ने के आपको कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बस वैसे समझाने के लिए था कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो जो कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं ना वो होता है हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर एक हमारे पास होता है, ये जो चैप्टर में हम कैलेंडर को इंक्लूड कर रहे हैं।
रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस और अपनी डेट्स निकाल रहे हैं, ये है हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि इंग्लिश कैलेंडर। दूसरे टाइप का कैलेंडर हमारे पास होता है पंचांग कैलेंडर, जो कि हमारा हिंदुओं का कैलेंडर होता है। तो ये हमारे पास दो तरह के कैलेंडर्स होते हैं। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है वो हमारा सन की रोटेशन पर बेस्ड होता है, अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड होता है हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे डेट्स और मंथ्स को कैलकुलेट करते हैं अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा पंचांग कैलेंडर होता है उसमें हम सारी चीजों को मून के रोटेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। पंचांग कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग सारे अपने हिंदुओं के फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि हमारे दो दो जो है राशियां होती हैं। पहली राशि हम लोग मानते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक राशि हम निकालते हैं अपने नाम के अकॉर्डिंग। तो जो नाम के अकॉर्डिंग जो राशि निकाली जाती है वो हमारी होती है पंचांग कैलेंडर से निकालते हैं हम, जो कि मून के रोटेशन पर बेस्ड होती है। और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो हम राशियां निकालते हैं वो हमारी ग्रिगोरियन कैलेंडर पर बेस्ड होती है। और जो हमारी यहाँ पर ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारी राशियां निकालते हैं उन्हें हम बोलते हैं सनशाइन। और जो राशियां हम पंचांग के अकॉर्डिंग निकालते हैं, पंचांग पर जो बेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूनशाइन। ये बस कुछ फैक्ट्स थे जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन जो हमारा चैप्टर जिस चीज से रिलेटेड है वो हमारा सारा चैप्टर में पंचांग कैलेंडर का कोई रोल नहीं है। हमारा जो पूरा कैलेंडर है जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है वो है हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल चैप्टर। अभी तक तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। बार आता है यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 सालों में लीप ईयर कितनी बार आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 के जितने मल्टीपल्स इसमें होंगे उतनी बार हमारा लीप ईयर आएगा। जैसे कि हमें सिंपली 5 सालों में तो पता है कितनी बार आता है लीप ईयर, एक ही बार आता है। उसी तरह 10 सालों में लीप ईयर कितनी बार आता है, 4 के कितने मल्टीपल है, कंप्लीट 2 मल्टीपल्स है, 4 × 8 तो 4 × 4 के 2 पेयर बनेंगे तो 2 लीप ईयर आएंगे। 15 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर आएंगे, 3 लीप ईयर आएंगे। 25 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर आएंगे, 6 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। 50 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 12 लीप ईयर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछे कि बताओ इतने सालों में कितने लीप ईयर आएंगे तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जितने कंप्लीट मल्टीपल्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, उतने नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे। लेकिन अगर इस तरह से ना देकर वो अगर आपसे पूछता है कि बताओ 2005 से लेके 2017 तक कितने लीप ईयर आए, तो अगर वो आपको स्पेशली साल मेंशन कर दे तो उस केस में हम लीप ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे बजाय कि डिवाइड करने की, ठीक है। अगर आपको वो ईयर्स मेंशन करता है कि बताओ इस ईयर से इस ईयर के बीच में, तो हम उसके बीच में लीप ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे 2005 से 2017 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, 2008, 2012, 2016 3 लीप ईयर आए, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम वो हमें मेंशन करें कि इस साल से और इस साल के बीच में कितने लीप ईयर आए हैं तो हम लीप ईयर्स को कैलकुलेट करके बताएंगे 1, 2, 3 लीप ईयर्स आए। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि बताओ 5 सालों में या 50 सालों में कितने लीप ईयर आए तो हम क्या करेंगे, सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे और जितने कंप्लीट मल्टीपल्स आएंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे। तो देखो इस लॉजिक से अगर वो हमसे पूछता कि बताओ पहले 100 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर आए होंगे तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर जो कंप्लीट मल्टीपल आता है वो हमारे पास 25 आता है, यानी कि 100 सालों में हमारे पास 25 लीप ईयर आने चाहिए, ठीक है। तो 100 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर आएंगे, 25 लीप ईयर्स।
अगर वो आपसे पूछ ले पहली सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स आएंगे, यानी कि 1 से 100 साल तक जो साल थे उनमें कितने लीप ईयर आएंगे, तो हमारा जवाब 25 नहीं होगा। अगर वो सिंपल पूछे आपसे कि बताओ 100 सालों में कितने लीप ईयर्स आएंगे, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 100 ईयर्स, तो हमारा जवाब होगा 25। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि बताओ हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन फर्स्ट सेंचुरी, तो हमारा जवाब 25 नहीं होगा, हमारा जवाब होगा 24 साल। 24 साल क्यों होगा, 24 क्यों होगा हमारा आंसर फर्स्ट सेंचुरी के केस में? देखो हमारा पहला लीप ईयर कब आएगा, 4 में, दूसरा 8 में, इसी तरह चलते जाएंगे, 24वां आएगा हमारा 96 में, लेकिन 25वां आना चाहिए था 100 में, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा पीछे कि जो हमारा 100th ईयर है फर्स्ट सेंचुरी का, उसमें हम एक लीप ईयर को कंक्लूड नहीं करते हैं, जो 100 में जो लीप ईयर होता है उसको हम कंक्लूड नहीं करते हैं, तो जो हमारे पास टोटल लीप ईयर्स बचे फर्स्ट सेंचुरी में वो कितने हो गए, 24 लीप ईयर्स। इसी तरह अगर वो आपसे पूछे, जस्ट अ सेकेंड, अगर वो आपसे पूछे कि बताओ पहली सेंचुरी में हमारे पास कितने लीप ईयर्स थे फर्स्ट सेंचुरी में, तो लीप ईयर्स कितने थे 100 सालों में, 24। इसी तरह 200 में कितने होंगे, होने चाहिए थे कितने, 50, लेकिन एक 100 साल वाला और एक 200 साल वाला लीप ईयर्स कंक्लूड नहीं किए जाएंगे, तो हमारे पास कितने होंगे लीप ईयर्स पहले 200 सालों में, पहले 200 सालों में कितने होंगे, 48 लीप ईयर्स होंगे। इसी तरह 300 सालों में हमारे पास कितने होंगे, 100 वाला इंक्लूड नहीं होगा, 200 वाला भी नहीं होगा और 300 साल वाला भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा, तो कितने होंगे, होने चाहिए थे 75, लेकिन कितने होंगे अब हमारे पास लीप ईयर्स, 72। ठीक है, तो ये हमारे 200 सालों में कितने होंगे, 48, 300 सालों में होंगे 72, लेकिन जब हमारे पहले 400 साल आएंगे, चौथी शताब्दी आएगी, तो उस टाइम पे हमारे होने चाहिए थे 100, लेकिन हमने 100 वाला इंक्लूड नहीं किया, 200 वाला भी नहीं किया और हमने 300 वाला भी नहीं किया, लेकिन जो 400 वाला जो साल होता है हमारे पास वो हमारा लीप ईयर होता है, क्योंकि ये हमारा 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये हमारा सेंचुरी ईयर होगा। 100 वाला 400 से डिविजिबल नहीं है, 200 वाला भी नहीं है, 300 वाला भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे 400 सालों में कितने लीप ईयर कम हुए, सिर्फ 3 लीप ईयर कम हुए 100 से, यानी कि 97। तो हमारे पास टेबल क्या बनी, हम टेबल बना लेते हैं। अब एक पहले 100 सालों में 24 लीप ईयर, 200 सालों में 48 लीप ईयर होंगे, 300 सालों में हमारे पास 72 लीप ईयर्स होंगे और 400 सालों में हमारे पास 97 लीप ईयर्स होंगे। ये हमारे पास एक टेबल बन गई और ये टेबल हमारे आगे जाके बहुत काम आने वाली है, तो इस टेबल को निकालना भी समझ लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए बड़े अच्छे से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें सीखी हैं कि किसी भी ईयर को लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो हम उसे 400 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो ईयर हमारे 400 से और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं तो वो हमारे लीप ईयर होंगे, अदरवाइज वो हमारे नॉर्मल ईयर होंगे। एक बात तो हमने ये सीखी और दूसरा हमने क्या सीखा, ये टेबल सीखी कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 24, 200 में कितने लीप ईयर होंगे, 48 और 300 में 72 और 400 सालों में हमारे पास 97 लीप ईयर्स होंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ ये दो बातें सीखी हैं। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो हम क्या जवाब देंगे, 24। दूसरी सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स होंगे, 48। फोर्थ सेंचुरी में हमारे पास पहली 4 सेंचुरीज में कितने लीप ईयर होंगे, तो हम क्या जवाब देंगे, 97। लेकिन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना कि वो सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी बोल रहा है, सिर्फ सेकंड सेंचुरी या फिर अप टू थर्ड सेंचुरी, मतलब हमें क्या देखना है, वो दो तरह से हमसे
क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ सेकेंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स थे, सिर्फ सेकेंड सेंचुरी कहां से होगी, 101 साल से लेकर जो 200 साल तक होगी वो हमारी सेकेंड सेंचुरी होगी, और इसमें टोटल लीप ईयर्स कितने होंगे, इसमें हमारे टोटल लीप ईयर्स होंगे 24। सवाल देखना है कि उसने पूछा क्या है, लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि 200 सालों में कितने लीप ईयर होंगे तो हम क्या जवाब देंगे, 200 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 48। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि उसने क्या पूछा है, सेकेंड सेंचुरी में पूछा है या 200 सालों में पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, आंसर देना है। मान लो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे, हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विल कम इन 400 ईयर्स, क्वेश्चन पूछा उसने, हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विल कम इन 400 ईयर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ 29 फेब का पूछ रखा है। देखो दो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, दोनों की लैंग्वेज में फर्क समझना। दूसरा वो आपसे पूछे हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब विल कम इन 400 ईयर्स, तो फर्क क्या है दोनों क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें पूछा है वो सिर्फ 29 डेट दे रखी है जो कि हर महीने में आती है इंक्लूडिंग फरवरी इन लीप ईयर्स, तो 11 महीनों 400 सालों में फेब को छोड़ के 11 महीने में तो हर बार क्या आएगी 29 डेट आएगी, होगी 4400 प्लस 400 सालों में 29 फेब कितनी बार आएगी, 97 टाइम्स, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 4497 टाइम्स हमारे 29 डेट आएगी, ठीक है। बात की जाए इस क्वेश्चन की कि हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब विल कम इन 400 डेज, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 97 टाइम्स। तो दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज और सॉल्यूशन का फर्क आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को कीजिएगा।